एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो भी जातक और जातिका की कुंडली में राहु केतु का जो भाव से संबंध होता है, मान लो पहला भाव दूसरे यहाँ से लगा के 12 भाव में राहु केतु का, अगर जिस तरह से हम परिस्थितियां बता रहा है इस तरह का अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो मान के चले कि राहु केतु के कारण आपको बहुत ही परेशानियों का झेलना पड़ेगा। तो ये बताने का प्रयत्न, परंतु आपकी कुंडली में राहु जब कमजोर स्थिति में होगा और जो भाव में होगा उस भाव की हानि करेगा, उस भाव से जो भी चीजें हम देखते हैं उसमें कमी आएगी और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम भाव के हिसाब से राहु केतु के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु के एक्सेस है, परंतु जो मान लो कुंडली में केंद्र स्थान अच्छा है, जैसे यहाँ तो केंद्र स्थान खाली पड़ा है तो वो एकदम कमजोर स्थिति है। अगर राहु केतु कोई भी भाव में हो और केंद्र स्थान खाली है और कोई सी भी तरह के अच्छे योग नहीं बन रहे हैं कुंडली में, तो वो राहु केतु कमजोर हो जाएंगे और उसके प्रभाव अच्छे नहीं मिलेंगे, और जो प्रभाव अच्छे नहीं मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपके कुंडली में केंद्र में शुभ ग्रह हो, गुरु मान लो केंद्र में हो, स्वराशि से गुरु स्वराशि का यहाँ हो या 4 नंबर में उच्च का हो, कहीं पे भी केंद्र में हो, तो वो कुंडली को बलवान बना देते हैं। या जो भी शुभ ग्रह है, चंद्र है, बुध है, शुक्र है, वो अगर आपके कुंडली में सौ राशि के उच्च के हों और तो भी अगर ये राहु केतु से अगर आपका लग्न प्रभावित हो या कोई सा भाव प्रभावित हो तो उसके जो फल है उसमें कमी आ जाएगी और वो अच्छे फल भी देना शुरू करेंगे। परंतु अगर वहाँ पे आपका न तो कोई अच्छे योग बन रहे हैं और उसके कारण कोई भी अच्छा योग नहीं बन रहा है, मान लो जो भी है, जैसे यहाँ बुध उच्च का हो जाता है, अब बुध यहाँ पे अच्छी स्थिति में है, बुध यहाँ स्वराशि का है, यहाँ पे गुरु स्वराशि का हो जाता है, यहाँ पे गुरु अपना स्वराशि का हो जाता है, तो अगर वो स्वराशि के हो, केंद्र में हो, तो शुभ ग्रह हो या मंगल भी हो, अगर यहाँ पे उच्च का हो जाता है या शनि भी अगर उच्च के हो जाते हैं केंद्र में, तो वो अच्छे फल दे और कुंडली को बलवान कर देते हैं। परंतु आपकी कुंडली में ना तो गज केसरी योग बन रहा हो, न दूसरे शश योग, रुचक योग, माल्यव योग, बुद्धादित योग आदि कुछ भी बन नहीं रहा है कुंडली में, तो केंद्र में भी नहीं बन रहा है, तो वो जो है कुंडली का कमजोर हो जाती है और उसके कारण जैसे अब हम यहाँ देख रहे हैं कि केंद्र खाली है, राहु केतु लग्न में है, तो इस राहु लग्न में आने के कारण आपको बहुत अच्छे फल नहीं देगा। मतलब लग्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, लग्न भाव से आपका व्यक्तित्व होता है, आपके हेल्थ वहां से देखी जाती है। तो अगर और जो अगर राहु यहाँ बैठ जाएगा तो आपको जीवन में संघर्ष आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, आरोग्य हो जाएगा आपको, कहीं ना कहीं किसी तरह का रोग हो सकते हैं और आप क्रोधी हो जाएंगे और इस तरह से शरीर में जो आपको दुर्बलता प्राप्त हो जाएगी। तो राहु केतु के ऐसे योग के कारण लग्न आपका कमजोर हो गया और लग्न आपका व्यक्तित्व है वही कमजोर हो गया। तो पूरी कुंडली में भी अगर इस तरह से हमने जैसा पहले बताया कि अगर केंद्र खाली है और अच्छे प्रभाव या अच्छी युतियां नहीं बन रही है तो आपका जीवन कम्प्लीटली संघर्षपूर्ण हो गया है। इसके बाद में अगर यही कंडीशन हम दूसरे भाव पे लगाएं, हम यहाँ पे जो कुंडली है वो बस सिर्फ बताने के लिए योग बता रहे हैं आपको कि मान लो राहु केतु यहाँ पे बैठ जाते हैं दूसरे भाव में, तो और वो भी आप देख सकते हैं कि दूसरा भाव आपकी वाणी का है, धन धान्य का है, यहाँ कुटुंब का है, यहाँ अपनी जो भी हम पैसा कमाते हैं वो है, पितृ की संपत्ति वगैरह जो रहती है पितृ कुटुंब वगैरह की वो है, तो यहाँ पे पितृ संबंधी जो भी धन है उसका विचार किया जाता है, फिर हमारा चेहरा है, वाणी है,
प्रारंभिक जो प्राइमरी शिक्षा होती वो है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे राहु केतु बैठ जाएगा, और जिस तरह से हमने बताया कि अगर वो कमजोर स्थिति की हमने डेफिनेशन बताई है, अगर वही हालत राहु केतु यहाँ है, केंद्र खाली है और जो कुछ भी अच्छे योग नहीं बन रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको जो है धन का बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, आपकी वाणी भी खराब हो जाएगी, आप अच्छे से वो नहीं बोलेंगे, और आपका जो झगड़ा भी कुटुंब में होने के योग बना देता है। तो इस तरह से दूसरे भाव के जो भी हमारे और जो खान पान भी है वो गलत तरीका का आपका हो जाएगा। ये सब चीजें आपके लिए अच्छे नहीं है, और जो भी अंग है हमने बताए हैं वो प्रभावित होंगे, और उसमें नाक, गला, मुख, नेत्र आदि के भी वहां पे हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम होंगे। तो इस तरह राहु केतु का प्रभाव दूसरे और आठवें भाव से बन रहा है। राहु दूसरे भाव में हो तो इस तरह के प्रभाव आप मान के चलिए, अगर वो अच्छी स्थिति में राहु नहीं है। इसी प्रकार से तीसरा भाव है, तीसरे भाव में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु हो और केंद्र में जैसे शुभ ग्रहों की परिस्थितियां बन रही हैं, उच्च की, सौ राशि की, मित्र राशि की है, तो वो बहुत अच्छे फल देता है। परंतु आप मान के चलिए कि राहु मान लो यहाँ बैठा है और वो अच्छी स्थिति में नहीं है, कमजोर है, केंद्र भी खाली है, और आपके जो भी कुछ योग बताए वो नहीं बन रहे हैं, तो आपको यह मान के चलिए कि राहु के कारण जो तीसरे भाव के जो प्रभाव है, तीसरे भाव से हम जो भी देखते हैं, जैसे भाई बहन को देखते हैं, तो उनसे हमें परेशानियां हो जाएगी, उनको कष्ट मिलेगा। यहाँ मित्रों को देखते हैं तो मित्रों से भी हमें अच्छे संबंध नहीं रहेंगे और हानि होने के होंगे। भाग्य को भी यहाँ से देखता है तो भाग्य में भी अवरोध प्राप्त होगा। तो इस तरह से तीसरे भाव के जो पराक्रम है, मंगल भी मान लो आपकी स्थिति में अच्छा नहीं है, केंद्र में नहीं है, तो आपका पराक्रम भी कमजोर हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरे भाव से रिलेटेड जो भी हमें फल हैं वो अच्छे प्राप्त नहीं होंगे, और हमको इस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यही अगर अच्छी स्थिति में हो, मंगल भी कुंडली में अच्छे हो, केंद्र भी अच्छा हो, और मान लो यहाँ पे राहु अच्छे फल ही देता है, तो उसमें पराक्रम में बढ़ोतरी होगी और सब चीजें अच्छी होगी। परंतु राहु के हमें जो खराब फलों की बात करना है उससे, अब मैं चौथा भाव है, मान लो चौथा भाव को जैसा भी आपको पता है कि ये चौथा भाव होता है वो आपका सॉरी, चौथा भाव हमारा माता का है। यहाँ से हम अपनी जो भी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति के बारे में बात करते हैं। भवन का सुख यहाँ से प्राप्त होता है, वाहन का सुख प्राप्त होता है, हम यहाँ से ये माता का सुख भी देखते हैं। तो अगर ये और जो भी हमारे हेल्थ के हिसाब से देखें तो हार्ट वगैरह, छाती है, सीना है, उसको चतुर्भाव से विचार किया जाता है। तो ये जो भी भावों पर हम चीजों का हमने जो बात बताया उनका विचार कर रहे हैं, तो राहु केतु अगर चौथे भाव में राहु हो और केतु दशम भाव में हो, तो इसके जो अगर राहु कमजोर है, जैसे कमजोर स्थिति हमने बताई है, तो अगर यह है तो ये माता के सुख में कमी आएगी, और हमें जो भी संपत्ति है, जो है भवन है, वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त होता रहेगा, क्यों वाहन यहाँ से देखते हैं, तो उसमें कमी आएगी, वाहन सुख नहीं प्राप्त होगा, भवन सुख नहीं प्राप्त होगा, माता का सुख भी प्राप्त नहीं होगा। हार्ट को भी यहीं से देखा जाए तो हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस तरह से हमें चौथे भाव से संबंधित फलों में कमी आएगी। अब हम पंचम भाव में आएंगे। मान लो पंचम भाव में राहु और यहाँ केतु है, और जैसा हमने बताया ऐसी स्थिति है, केंद्र खाली है और शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, राहु केतु अकेले हैं, तो आपको मान के चलिए कि पंचम भाव से जो भी हम देखते हैं, मान लो संतान को देखते हैं तो संतान संबंधी प्रॉब्लम होगी, गर्भ की स्थिति नहीं रहेगी, और विद्या बुद्धि जो है उसको देखा जाता है, स्मरण शक्ति को देखा जाता है, यहाँ से लाटरी सट्टे का विचार किया जाता है, तो लाटरी सट्टे में हमको हानि होने के ज्यादा योग बन जाएंगे,
और इस तरह से जो है आप संतानहीनता हो सकती है, धन का अभाव हो सकता है लॉटरी वगैरह में, शेयर में, क्योंकि शेयर भी ऐसे देखते हैं उसमें नुकसान होने के ज्यादा योग बन जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं जो भी जातक जाता है अपनी कुंडलियां में। जिस तरह से हम राहु केतु के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आप देखिए, परंतु ये इसके सुफल प्राप्त होंगे अगर ये आपका राहु केतु हो और केंद्र वगैरह में अच्छे ग्रह हो और उसके प्रभाव बलवान हो, तो ये जो भी हमने बताया उसमें वो वृद्धि करेगा। इसके बाद में हम छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव, जैसा कि आपको पता ही है कि ये हमें रोग ऋण शत्रु का भाव है, और इसके कारण जो अगर ये अच्छे प्रभाव में नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, राहु छठे भाव में बैठा है, केतु यहाँ बैठे हैं और इनकी अच्छी स्थिति नहीं है, तो आप में मान के चलिए कि आपके रोग ऋण शत्रु बढ़ जाएंगे और आपको शत्रु से भय रहेगा, तनाव रहेगा, आपका चरित्र भी अच्छा नहीं रहेगा और रोग यहाँ से देखते रहते, रोग भी हमें हो सकते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद में हम सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव से जैसा कि आपको विदित है कि ये हमारे वैवाहिक सुख के लिए देखा जाता है, एक दूसरे का सुख, पति पत्नी का सुख यहाँ से दिया, वैवाहिक जीवन जो है यहाँ से देखा जाता है। अगर राहु सप्तम भाव में है और केतु आपके लग्न में बैठा है तो जो भी यहाँ से संबंधित हमें वैवाहिक जीवन हमारा कष्टप्रद हो जाएगा, वैचारिक मतभेद होंगे और अशांति बनी रहेगी, तो ये अशुभ फल होंगे। और व्यापार वगैरह भी देखते तो व्यापार वगैरह में भी हानि से विदेश से संबंध भी खराब करेंगे। इसी तरह अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव में अगर राहु है और केतु आपका मान के चलिए कि दूसरे भाव में आ जाएगा, तो अष्टम भाव से जो भी हम देखते हैं उसके जो फल हैं उसमें अच्छी प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको देख सकते हैं कि आठवें भाव से पितृक संपत्ति जो हमें मिलती है हमारे बिना अपना प्रयास किए मिलती है, उसका नाश हो जाता है। यहाँ दुर्घटना देखते हैं, यहाँ पे बहुत सी बीमारियां होती है जो कि लंबे समय चलती है, वो सब में हमें होने के योग बनते हैं और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर यहाँ पे अगर इस तरह का प्रभाव है तो अष्टम भाव संबंधित हमें फल खराब प्राप्त होंगे। आपको नवम भाव जो हमारा भाग्य का भाव है, और भाग्य भाव में अगर इस तरह का योग बनेगा, राहु यहाँ है और केतु आपके तीसरे भाव में आ जाएगा, तो वो भाग्य में बाधा डालेंगे, पिता से भी परेशानी हो सकती है क्योंकि यहाँ से पिता को भी देखते हैं। और आपकी जो भी नवम भाव से धर्म में आपकी श्रद्धा नहीं रहेगी आपको, और ईश्वर वगैरह में कमी आएगी आपकी, तो इस तरह से इस भाव के प्रभाव कम हो जाएंगे। अब हम दसम भाव पे आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे आजीविका का भाव है और इसके कारण आप देख सकते हैं कि आपके नौकरी व्यवसाय में आपको बाधा के योग बन जाएंगे अगर राहु केतु इस स्थिति में यहाँ बैठे हैं और अच्छी स्थिति में नहीं है, तो हमको दसम भाव संबंधी जो भी फल है वो अच्छे प्राप्त नहीं होंगे और हमें सरकार से भी हानि हो सकती है, सरकार से, क्योंकि यहाँ से देखते हैं तो प्रशासन वगैरह जो है, राजनीति में आप हैं तो राजनीति में भी आपको अच्छा सफलता प्राप्त नहीं होगी, नौकरी धंधे व्यापार सब में पराक्रम होने के योग बन जाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से अगर दशम भाव प्रभावित होता है तो इस तरह के योग बन जाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे 11th हाउस की। 11th हाउस जो हमारा है वो आपका लाभ का भाव है, आय के सोर्स है, तो उससे कनेक्टेड हमें जो फल प्राप्त होना चाहिए, हमारा लाभ अच्छा नहीं होगा और हमें इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ बड़े भाई बहनों को देखते हैं उनसे भी हमारे व्यवहार खराब हो जाएंगे, और हमारी जो इच्छा पूर्तियाँ होती वो यहीं से देखी जाती, उसमें भी कमी आएगी और इस तरह के जो भी
हम यहाँ से दाहिना पैर बाएं हाथ वगैरह देखते तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने देखा कि इसके बाद में 11 भाव 12 भाव लास्ट है, जो कि यहाँ पे राहु और यहाँ केतु होंगे। तो 12 भाव संबंधी जो फल हम देखते हैं उसमें कमी आएगी, कि 12 भाव के कारण यहाँ से आपके गुप्त शत्रु बन जाएंगे, आपकी बदनामी होगी, आपको खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। विदेश में भी अगर ये कमजोर है तो विदेश में भी हमारा अच्छे से विदेश जाने पर भी जो हमें जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वो हमको प्राप्त नहीं होगा, और विदेश से भी हानि होगी। तो इस तरह 12 भावों में हमने देखा कि किस तरह से राहु केतु अगर वो कमजोर स्थिति में है तो किस तरह के फल प्राप्त होंगे। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारी चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपॉइंटमेंट कंसल्टेंसी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, आप टेलीफोन से परामर्श ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आपने हमारा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।